यीशु। आइए प्रिय दर्शकों, यीशु इस कार्यक्रम को आप देखिए और यीशु मसीह के बहुत से पहलुओं को जानिए और सीखिए कि जब आप ये हमारे इस कार्यक्रम को आप मेरे साथ देखेंगे तो यीशु मसीह की बहुत सी आशीषों को प्राप्त करेंगे, प्रभु का आनंद जीवन आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं एलिजाबेथ भारती आज इस परिचर्चा में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी इस परिचर्चा का मुख्य शीर्षक है यीशु, और इस परिचर्चा पर जब हम चर्चा करेंगे तो उसका विषय है यीशु कौन था। हमारे साथ आज मेहमान हैं पास्टर रोनल्ड डेविड और पास्टर पैट्रिक फ्रांसिस, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगी। पास्टर रोनल्ड डेविड और पास्टर पैट्रिक फ्रांसिस, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप यहाँ पर हो सकते हैं। धन्यवाद। आपने समय निकाला इस परिचर्चा में शामिल होने का, आपका धन्यवाद करते हैं। पास्टर पैट्रिक और पास्टर डेविड, जैसा कि हम इस पर बातचीत करने जा रहे हैं कि यीशु कौन था, हमारा आज का मुख्य विषय है। पास्टर डेविड, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यीशु कौन था, इस पर ज़रा सा रोशनी डालें आप। देखिए, यीशु मसीह इतिहास में एक ऐसा नाम है जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता आया है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पहली सदी में हुआ था और आज हम सब जो है वो 21वीं सदी में रह रहे हैं। इतने सालों में प्रभु यीशु मसीह ने हर समय में, हर देश में, हर प्रांत में, हर समाज में लोगों के ऊपर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, हर समय में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे गुरु हुए, बहुत सारे बहुत फेमस लोग हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा नाम है जिसने सदियों से और आज भी लगातार लोगों के जीवन को आकर्षित कर रहा है। अगर हम इतिहास में दृष्टि डालें तो प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा नाम है जिसने शायद सबसे ज़्यादा लोगों के जीवन पर प्रभाव डाला है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह कौन है इसके विषय में बात करते हैं तो धर्मशास्त्र, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में एक इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे। और ये जो बात है, ये बड़ी दिलचस्पी का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में कौन थे, क्योंकि प्रारंभ से ही ये चर्चाएं थीं, ये अफवाहें थीं कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में है कौन। बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें पुराने भविष्यशास्त्र नियम से, पवित्र शास्त्र से जो है वो रिजेंबल करते थे कि क्या ये भविष्यता है या कुछ अलग अलग बातें हैं, लोगों का अलग अलग धारणाएं थी। लेकिन हम इस अध्ययन में, जब आपने हमें आमंत्रित किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि हम इस विषय में सीखेंगे कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह कौन है। और ये बहुत दिलचस्प बात है कि यीशु कौन है प्रारंभ से लेके अभी तक। देखिए, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर मैं निकोदेमस की बात करूं तो निकोदेमस, जो खुद यहूदियों का एक गुरु था जी, वो प्रभु यीशु मसीह को एक अच्छा गुरु और मानता था। उसने आके कहा भी कि तू एक अच्छा गुरु है, तू उत्तम गुरु है। लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भूमिका में है। अगर मैं बात करूँ तो प्रभु यीशु मसीह शायद जब मैं दुख में होता हूँ तो मेरे लिए मित्र है। अगर मैं बात करूँ कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, तो जब मुझे कुछ आवश्यकता होती है तो वो मेरे ज़रूरत का पूरा करने वाला है। तो अलग अलग लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह की विचारधाराएं अलग अलग हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरियम और यूसुफ के शारीरिक पुत्र थे, जो इस पृथ्वी के ऊपर एक आम साधारण परिवार में जिन्होंने जन्म लिया था। थैंक यू पास्टर। जैसे उस समय भी परिचर्चा थी, लोग सोच रहे थे कि यीशु मसीह कौन हैं जो आए हैं, तो हम मैं पास्टर पैट्रिक आपसे जानना चाहती हूँ कि उनको लोगों ने ये भी कहा कि क्या ये बपतिस्मा देने वाला है, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? जी हाँ, हमारा सोचना नहीं, परंतु जो परमेश्वर का वचन बताता है और जो हमसे बातचीत करता है उस विषय पे हम बातचीत करेंगे। सही माने में यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ कहा गया कि वो ये था या कौन सा था, और उसको जब बपतिस्मा दाता की बात करते हैं तो वो ये सोचने लगे कि यौहन्ना से इसका कंपेयरिंग कराने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यौहन्ना बपतिस्मा दाता है, परंतु ये यौहन्ना बपतिस्मा दाता तो हो नहीं सकता था। कारण क्या था? क्योंकि यीशु मसीह यौहन्ना के साथ साथ रहता था,
और अगर हम देखें कि जब बपतिस्मा लेने गया तो वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता से लेने गया, हालांकि यीशु मसीह के बारे में ये कहा गया कि वो बपतिस्मा देता था, परंतु परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे कि यीशु आप बपतिस्मा नहीं देता था, परंतु यद्यपि उसके चेले जो थे वो बपतिस्मा देते थे, परंतु यूहन्ना के बारे में एक बात कही गई है कि वो अपने दूत को उसके आगे आगे भेजेगा। अब सवाल ये उठता है कि उसके आगे आगे किसके भेजेगा? यीशु मसीह के। तो वहाँ पर यीशु मसीह के वो आगे आगे भेजेगा, तो यीशु मसीह जो है एक दूत नहीं हो सकता है। ये एक परमेश्वर का वचन जो मरकुस और उसके पहले अध्याय की चंद आयतों को पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है। तो अब यीशु मसीह एक दूत नहीं हो सकता है, तो यीशु मसीह जब दूत नहीं है, बपतिस्मा देने वाला नहीं है, तो यीशु मसीह है कौन? ये सवाल का चर्चा जो है बहुत लंबे समय तक लोग करते रहे, आज भी करते रहे हैं, परंतु सही माने में जो यीशु मसीह है वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता से उसकी कंपेयरिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने कहीं पर भी किसी को बपतिस्मा नहीं दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जैसे पायल साहब बोल रहे हैं, ये सवाल जो है ये प्रारंभ से ही बड़े चर्चा का विषय रहा है। और इतना ही नहीं, अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 16 अध्याय के 13 पद में लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। देखिए ये सवाल जो है ना, ये वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के टाइम पे भी था, और प्रभु यीशु मसीह भी इस प्रश्न को उठाते हैं, अपने चेलों के सामने लाते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने अपने चेले से बोला कि लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं। अगर हम इस बारे में देखें तो ये जो मनुष्य का पुत्र है ये वास्तव में एक ऐसा शीर्षक, एक ऐसा टाइटल है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिया था। और मनुष्य का पुत्र उन्होंने अपने आप को क्यों प्रकट किया, ये वाकई में हमारे धर्मशास्त्र के लिए एक भेद की बात है, और ये हम देखेंगे आगे चल के कि व्यवस्था के अनुसार ये बात बहुत ज़रूरी थी। लेकिन जब वो पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, तो उसके चेलों ने उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और कुछ यर्मिया या भविष्यताओं में से कोई एक कहते हैं। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे पाजी साहब ने ये बात कही कि कुछ लोग उसे एलिया कहते थे, कुछ लोग उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते थे, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो हो नहीं सकता। ठीक है पाजी साहब, अभी हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ। प्रिय दर्शकों, आप भी यहीं रहिएगा, इस परिचर्चा को हम फिर जारी रखेंगे और फिर मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस परिचर्चा में। फर्स्ट पैट्रिक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि यीशु कौन थे, जबकि वो बपतिस्मा देने वाले नहीं थे, तो उनको ये भी कहा गया कि वो एलिया थे या यर्मिया थे, आपका क्या विचार है इस विषय में? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये जो कन्फ्यूज़न था ये आज का नहीं है, ये शुरू से लोगों में रहा है कि वो ये जानना चाहते थे कि यीशु आखिर कौन है। बहुत से उसे भविष्यवक्ता मांगते थे, किसी भविष्यवक्ता था, कोई उसको यूहन्ना कहता था, कोई एलिया नबी कहता था, कोई यर्मिया नबी के बारे में बात करता था, परंतु एलिया नबी वो नहीं हो सकता। कारण क्या था कि यीशु मसीह खुद इस बारे में कहते हैं कि तुम मानो या ना मानो, एलिया आ चुका है। अब वो एलिया किसके बारे में कह रहे हैं? वो अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो बताते हैं कि वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में कह रहे हैं। हालांकि यूहन्ना इस बात को कहता है कि मैं एलिया नहीं हूँ, परंतु वो एलिया की सामर्थ्य में था, और जो उसके कार्य थे वो उसकी तरीके थे, उसका रहन सहन, उठना बैठना बिल्कुल एलिया की तरह था, और वो एलिया की सामर्थ्य में प्रकट हुआ था। और यूहन्ना अपनी जगह बिल्कुल सही था, और यीशु मसीह भी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे थे, यीशु मसीह भी ये कह रहे थे कि एलिया जो है वो यूहन्ना के रूप में आ चुका है। दूसरी बात, एलिया क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एलिया जो था एक आहाब राजा और इजाबेल जब उसके पीछे पड़े हुए हैं तो वो उनसे डर कर भाग रहा है, और यीशु मसीह के जीवन में किसी का डर नहीं था, वो डरने वाला नहीं था, वो जो कुछ कहना था बेधड़क होकर और निडरता पूर्वक बात करता था, पूरे अधिकार के साथ करता था, और उसने जो कुछ भी, यहाँ तक कि
उसने जो कुछ भी सहा उसने बड़े अधिकार के साथ सहा। तो यीशु मसीह के जीवन में डर नहीं था। अब बात करते हैं आप यिर्मयाह की। यिर्मयाह को इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि यिर्मयाह को रोने वाला नबी कहा गया जी। अक्सर उसको कहा गया कि ये रोने वाला नबी है, और यीशु मसीह कहीं पर भी रोया नहीं है। मतलब एक लाजर के कब्र को पे जाकर अगर हम उसकी बात को ना करें तो वैसा हर समय रोने वाला नहीं था, बल्कि वो परमेश्वर के उस संदेश को देने वाला था जो बड़े आनंद के साथ और बड़े आनंददायी तरीके से वो परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाता था, और इसलिए हम उसको यिर्मयाह नबी भी नहीं कह सकते। आगे आप पास्टर रोनी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे पास्टर डेविड? देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि वो एलिया नहीं हो सकता है ना, ना ही वो यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला था। यिर्मयाह के लिए भी कहा उन्होंने कि यिर्मयाह नहीं हो सकता। तो क्या वो भविष्यवक्ता था? नहीं, वो कोई भविष्यवक्ता भी नहीं था ना, क्योंकि उसके बारे में तो खुद बाइबल में कई भविष्यवाणियां हैं, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे हम कर रहे हैं कि ये सवाल क्यों उठे कि वो एलिया है या वो भविष्यवक्ता है या वो यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला है। देखिए, क्योंकि क्या था, मलाकी की पुस्तक में लिखा हुआ था कि एलिया नबी को वो कहते हैं कि मैं अपने नबी को फिर से भेजूंगा। तो ये इसराइलियों को मालूम था कि मसीहा के आने से पहले जो है वो क्या होगा, एलिया आएगा। और ये यहूदियों का एक बड़ा विश्वास था कि एलिया आएगा, इस पृथ्वी पर एलिया आएगा। और जब कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की तरफ से होता था, जो उनके लिए एक अलग ही तरीके का आकर्षण रखता था और कुछ अलग ही धर्मशास्त्र की बातों को प्रकट करता था, तो हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात होती थी कि कहीं ये फलाना तो नहीं, कहीं फलाना तो नहीं। देखिए, ये बड़े अद्भुत विषय है कि आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उस समय ना रेडियो था, ना टेलीविज़न था, है ना, ना ही ये सेलफोन हुआ करते थे और ना ही जो कम्युनिकेशन इतना फास्ट होता था। लेकिन फिर भी ये जो अफवाहें हैं, ये जो चर्चाएँ हैं, ये गली गली हुआ करती थी। प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया और बड़े अधिकार और बड़े सामर्थ्य के साथ उन्होंने उन कामों को शुरू किया, तो लोगों को लगा कि ये धर्मशास्त्र की शिक्षाओं को कुछ अलग तरीके से बताता है। और इतना ही नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने जब सामर्थ्य के साथ काम करना शुरू किया और अपने सामर्थ्य से कई ऐसे काम किए, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। और जब उन्होंने जो उनके स्थानीय लोग थे वो ये सोच रहे थे कि इसको तो हमने देखा है। नहीं, बात तो यही है, ये तो हमारे सामने पला बड़ा है। क्या होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट करना शुरू किया जी, तो वहाँ पे जितने भी फरीसी और सदूकी लोग थे, है ना, इन लोगों को डर लगने लगा जी, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है धर्मशास्त्र की हमारी जो गद्दियां हैं, है ना, ये उसके ऊपर कहीं कब्जा ना कर ले, लोग जो है भीड़ इसके पीछे ना हो ले। तो उनको जो है वो प्रभु यीशु मसीह से वास्तव में ईर्ष्या होने लगी और वो जलन के मारे, है ना, प्रभु यीशु मसीह के विषय में कुछ दूसरी बातें करने लगे। वो ये भी कहते हैं कि क्या ये वो बढ़ाई का बेटा नहीं जी, है ना, क्या ये वो नहीं मरियम का पुत्र नहीं है, क्या ये वो नहीं जिसके भाई बहन हमारे यहाँ पे रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को वो लोग एक साधारण रूप में, एक साधारण और आम व्यक्ति के रूप में देख रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आम व्यक्ति नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह जो थे वो अपने आप में उनका एक विराट अस्तित्व था। और जब हम देखते हैं कि वो यहुन्ना की बात जब उठी, तो यहुन्ना के विषय में तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं गवाही दी, जैसे पादी साहब ने कहा, वो कहते हैं कि इस पृथ्वी में जितने भी भविष्यवक्ता जन्मे हैं उनमें सबसे बड़ा यहुन्ना है, और वो कहते हैं मैं इसके विषय में गवाही देता हूँ कि अगर तुम मानो तो जो एलिया आने वाला था वो यही है। और जैसे पादी साहब ने कहा कि यहुन्ना वास्तव में इस बात को खुद नहीं मानता था, क्योंकि उसके शारीरिक रूप में तो वह अलग तरीके से इस पृथ्वी पर आया था। फिर सवाल ये उठता है कि अगर यहुन्ना आ चुका, यहुन्ना के रूप में एलिया आ चुका, तो फिर प्रभु यीशु मसीह कौन है जी? वास्तव में वो लोग मसीहा को मसीहा के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। देखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए अपने आप भविष्यवाणियों को प्रकट करने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व था जो परमेश्वर की तरफ से आना था जी। अगर हम देखें तो स्वर्गदूत ने मरियम को कहा था कि तू उसका नाम यीशु रखना जी। और हम सब जो है उसको क्या कहते हैं, मसीहा। अगर हम देखें मसीहा जो है वो इब्रानी में और ख्रीस्त जो है वो यूनानी भाषा में जो है वो मसीहा को प्रकट करता है जी। ठीक, तो प्रभु यीशु मसीह का नाम अपने आप में जो है वो मसीहा के रूप में प्रकट किया गया।
तो वो जो है वो एक मसीहा है, बचाने वाला है, उद्धार करता है। ठीक, तो उसका नाम अपने आप में इस बात को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो बचाने वाला है, वो उद्धार करता है, वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की तरफ से हमारे और आपके सामने आ खड़ा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद देखिए, ये अलग अलग तरीके की बातें थी कि लोग उसे किस तरीके से अपने जीवन में लेते हैं। कुछ लोग तब भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, और कुछ लोगों की बात छोड़ी है ना, कई दफ़े तो चेले भी, जो चेले जिनके साथ वो रहने लगे, जब प्रभु ने उनसे कहा कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, तो उन्होंने इस बात को कहा कि लोग तो तेरे बारे में कुछ अलग अलग बातें करते हैं, और वास्तव में लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में अलग अलग बातें करते थे। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने आप में एक ऐसी हस्ती थे जो शास्त्र के अनुसार परमेश्वर की तरफ से प्रकट हुए थे। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर बातचीत जारी रखेंगे। प्रिय दर्शकों, आप भी कहीं जाइएगा मत, हम फिर से मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और इस परिचर्चा को जारी रखेंगे। प्रिय दर्शकों, हम आपका फिर से इस परिचर्चा में स्वागत करते हैं और इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पास्टर डेविड, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर वो ना भविष्यता थे, ना बपतिस्मा देने वाले थे, तो फिर यीशु मसीह थे कौन? देखिए, वास्तव में तो यीशु मसीह जो हैं वो परमेश्वर की तरफ से प्रकट हुए थे जी। ठीक, और जब हम बात करते हैं कि सुसमाचार में उनके विषय में क्या लिखा गया है, तो सुसमाचार उनके बारे में बहुत सारी बातें हमें बताता है। सुसमाचार में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की तरफ से हमारे पास आ खड़ा हुआ। सुसमाचार हमें ये भी बताता है कि उसके विषय में पहले से ये भविष्यवाणी की गई थी। प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की तरफ से मानव के लिए वो इंतज़ाम था जो मानव के जीवन के लिए, पाप से छुटकारे के लिए बहुत ही आवश्यक था। उसके बारे में अलग अलग धारणा है, और आज भी ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में, बल्कि आज भी प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। मेरे ही कुछ मित्र हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अध्ययन करते हैं, और उसके ऊपर वो लोग कई विषय में जो है वो हायर एजुकेशन के रूप में स्टडी भी करते हैं। उन्होंने कई सब्जेक्ट उनके लिए हैं जिसके ऊपर वो थीसिस लिखते हैं या सब्जेक्ट करते हैं। तो कई लोगों का अलग अलग विचार है। कुछ लोग उसे बहुत अच्छा गुरु मानते हैं, कुछ लोग जो हैं वो उसको बहुत अच्छा विचारक मानते हैं, कुछ लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह को जो है वो सिर्फ एक धर्म गुरु के रूप में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों का जो है वो अलग अलग विचार है। लेकिन ये सवाल कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह कौन है, मैं चाहूँगा कि पास्टर पैट्रिक जो है वो बाइबल में से पढ़ें। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस सवाल को उनके सामने रखा था कि वो कौन है, तो उनके चेलों ने क्या जवाब दिया, वो इस बात को हमारे सामने देखेंगे। हम इस चीज को बताना चाहते हैं कि सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये यीशु कौन था, ये कोई धार्मिक बहस का विषय नहीं है। यह बहुत से जो विश्वासी हैं उनके विश्वास की कोई परख नहीं है। सही माने में यीशु मसीह जो स्पष्ट करना चाहते थे, लोगों के अंदर ये जिज्ञासा थी, जानना चाहते थे कि आखिर यह है कौन। और खास तौर से जो धार्मिक उस समय धार्मिक लोग थे, कहते ये हमारे बीच में रहता है, ये बड़ई का बेटा है, और इसके पिता का नाम यूसुफ है, इसकी माता का नाम मरियम है, इसकी बहनें हमारे बीच में, इसके भाई हमारे बीच में, आखिर ये है कौन जो इतने सामर्थ्य के काम और इतने अधिकार के काम करता है, आश्चर्य कर्म कर रहा है। उनके अंदर ये जिज्ञासा थी कि आखिर इसके अंदर ये सामर्थ्य आए कहां से और ये है कौन। तो यीशु मसीह जो है इसको क्लियर करते हैं। यीशु मसीह भी अपने चेलों को समझाना चाहते हैं, मगर बड़े अच्छे, मत्ती 16 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो चेलों से पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो चेले भी वही बताने लगते हैं, कोई तुझे भविष्यवक्ता कहता है, कोई तुझे एलिया कहता है, कोई तुझे योना बपतिस्मा दाता कहता है। तो यीशु मसीह कहते हैं ठीक है, लोग जो कहते हैं उनको छोड़ दो, मगर तुम मुझे क्या कहते हो। सवाल ये उठता है क्योंकि वो उनको ये समझाना चाहता था कि आखिर मैं सही माने में हूं कौन, और वो उनके साथ साथ थे, उनके साथ रहता था। इसलिए वो उनको और उनके द्वारा सारे संसार को ये बताना चाहता था कि वो सही माने में है कौन। तो पत्रस बताता है कि तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह, वो बताना चाहता है। और यीशु मसीह वहां पर ये कहता है, पत्रस, ये तूने अपने आप से नहीं कहा, परमेश्वर, क्योंकि मेरे पिता ने ये भेद तुझ पर खोला है। जब उसको वो पुत्र घोषित कर चुका होता है, तब वो यीशु मसीह स्पष्ट शब्दों में ये बताता है कि सही में मेरा जो पिता स्वर्गीय पिता है,
उसका मैं पुत्र हूँ, वो परमेश्वर का पुत्र अपने आप को क्लियर करता है, और मैं मसीह हूँ इस बात को तुम इस बात को भी मत कहना। जी हाँ, ये बात कहता है, तभी वो इस चीज को बताता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। क्यों पास्टर रोनी? बिल्कुल सही बात है, जैसे भाई साहब ने बताया कि वो इसी बात को वहाँ पे प्रकट करता है, लेकिन वो स्वयं नहीं प्रकट करता है ना, क्योंकि अगर वो स्वयं इस बात को प्रकट करता तो हम जानते हैं कि यहूदियों की परंपरा ये थी। फिर पास्टर डेविड वो था कौन? क्या वो परमेश्वर का पुत्र था? देखिए, वास्तव में तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया कि वो जो कुछ भी भेद पतरस ने उसके ऊपर प्रकट किया, वो परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट किया। देखिए क्या है, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में कहते हैं, यूहन्ना 10वां अध्याय उसके 30वें पद में, कि परमेश्वर और मैं, पिता और मैं एक हैं। और लोग जो हैं वो यहूदी लोग उसके ऊपर निंदा का आरोप लगाते हैं। आपको मालूम है ईश निंदा यानी ईश्वर की निंदा, ईश्वर की निंदा करने का मतलब होता है कि एक मनुष्य होते हुए अपने आप को ईश्वर बनाना। और ये मूसा की व्यवस्था में था कि अगर कोई ईश निंदा करता है तो उसे पथराव करके मार डाला जाए। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि अगर वो साफ साफ इस बात को कहेंगे तो यहूदी लोग जो हैं वो क्या करेंगे, व्यवस्था के अनुसार उसे मार डालेंगे, पथराव करेंगे। इसलिए वो ये बात जो है वो पतरस के मुंह से कहलाते हैं। पतरस से पूछते हैं कि ठीक है, लोग तो अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन तू मेरे बारे में क्या कहता है, तुम क्या कहते हो? तो वो कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और वो कहते हैं कि ये बात, ये भेद जो है तुझे परमेश्वर ने प्रकट किया है, और इसलिए वो उससे शांत रहने के लिए कहते हैं कि अभी इस बात को रहने दे, समय आएगा कि जब ये बात जो है इस पूरी दुनिया के ऊपर प्रकट की जाएगी। आपको याद होगा कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़ाया गया, ठीक, उसी रात पे महायाजक ने यीशु से एक सीधा सा प्रश्न पूछा था, और ये पूछा शपथ देकर उसने उत्तर देने के लिए बाध्य किया। महायाजक ने पूछा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। वो कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तूने आप ही इस बात को कह दिया, है ना, मुझे तो कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तूने आप ही इस बात को कह दिया। देखिए, जब उन्होंने बड़े सामर्थ के काम किए, चमत्कार किया, आंधियों को डांटा, है ना, तो चेले लोग इस बात को समझ गए थे कि ये कुछ अद्भुत बात है, है ना, क्योंकि आज किसी मनुष्य के हाथ में वो सामर्थ्य नहीं कि वो आंधियों को डांटे और वो उसकी बात सुने, प्रकृति में कुछ कहे और वो उसकी बात सुने। तो प्रभु यीशु मसीह जो वास्तव में परमेश्वर के पुत्र थे, ये बात लोगों के ऊपर प्रकट हुई। तो अगर मैं कहूं कि वो परमेश्वर के पुत्र थे तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जी, धन्यवाद देते हैं पास्टर। मैं आपका धन्यवाद देती हूं कि आप लोग हमारे यहां पर आए और इस परिचर्चा में शामिल हुए। आपने हमें जानकारी दी और हमारे दर्शकों को भी जानकारी दी कि यीशु मसीह कौन थे। मैं पास्टर पैट्रिक आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रार्थना करें हमारे लोगों के लिए, और जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु जी, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और धन्यवाद करते हैं कि जब आपने ये भेद जो पतरस पे खोला और समस्त संसार को ये बताया कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, और चाहते हैं जितने दर्शकों ने ये बात सुनी है वो विश्वास करें और बड़ी विश्वास के साथ आपको परमेश्वर का पुत्र ग्रहण करके आपके मार्ग पर चल सके। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका धन्यवाद देती हूँ पास्टर कि आप इस परिचर्चा में शामिल हुए। प्रिय दर्शकों, आपका भी मैं धन्यवाद देती हूँ, आप हमारे साथ बने रहे और आपने इस परिचर्चा को देखा और आपने जाना होगा कि यीशु मसीह कौन थे। वो सचमुच में परमेश्वर के पुत्र थे।